हेलो दोस्तों, आज हम कान्हा जी का पोशाक का ये दो चीज़ बनाएंगे। पिछले वीडियो में हम ये बता चुके हैं आप लोगों को, आज हम ये और चोली दोनों बता चुके हैं, आज हम ये दो चीज़ जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम टोपी देखते हैं। टोपी कैसे बनता है, इसे हम एक स्थान से ही 20 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। इसके बाद तीन लाइन हम डबल क्रोशिया किए हुए हैं। तीन लाइन डबल क्रोशिया करने के बाद ये चीज़ जो हम पोशाक में डाले हुए हैं, इस पोशाक में नहीं डाले हुए हैं, ये चीज़ हम डाले हुए हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से ऊन को ले लेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। करने से पहले तीन चेन लेंगे, अब हम डबल क्रोशिया करेंगे, 20 डबल क्रोशिया। ये सात हो गया। सत्रह, अठारह, उन्नीस और ये रहा 20। 20 डबल क्रोशिया कर लेने के बाद में अब हम इसे आपस में जोड़ देंगे। धागे को हम, ऊन को हम टाइट कर लिए इस तरह से। टाइट करने के बाद में यहाँ पर लाकर इस तरह से ऊन को हम जोड़ लेंगे। ये जुट गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक दो तीन, तीन चेन लिए, इसके बाद हमें डबल क्रोशिया करते चले जाना है। एक चेन से एक डबल क्रोशिया, हमें ना ही तो घटाना है ना ही तो बढ़ाना है, एक चेन से एक डबल क्रोशिया करते चले जाना है। इसे हम तीन लाइन में कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट हम यहाँ तक बिन लिए, अब इसे भी हम आपस में यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब देखिए, अभी ये बिनने के बाद एक लाइन हम किए, अगर आप इसे भी गिनेंगे तो चार लाइन में ये कंप्लीट होगा। फिर हम तीन चेन लेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया, प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यानी आप गिनेंगी तो एक दो तीन, एक लाइन और चार लाइन, चार लाइन हम कंप्लीट करेंगे।
ये तीन लाइन कंप्लीट हो चुका। एक लाइन और हमें बनाना है, इसे भी हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। एक दो तीन, अब फिर हम प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करेंगे लास्ट लाइन को। ये हमारा लास्ट लाइन रहेगा। इस तरह से इसे भी हम कंप्लीट कर लिए। अब एक लाइन हमारा और ब्लू कलर से रहेगा, अब इसे हम यहाँ हटा देंगे। अब देखिए, अब हमें इस कलर को हम जोड़ लेंगे। ये तो आप यहाँ पर टाइट करके इसे यहाँ गांठ लगा दें, वरना ये खुल जाएगा। अब हम इसे यहाँ पर जोड़ लेंगे। जोड़ लिए, तीन दो चेन लेंगे, एक और एक दो चेन हो गया। अब इसी स्थान से हमें तीन बार डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से एक दो और तीन। अब देखिए, तीन बार करने के बाद हमें यहाँ पर एक और दो दो डबल क्रोशिया बीच करके बनाए हुए हैं। तो यहाँ हम दो डबल क्रोशिया के बाद एक और एक दो, दो के बाद यहाँ इसे लाकर इस तरह से जोड़ देंगे। फिर दो चेन लेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया हो गया। फिर दो के बाद यहाँ लाकर इसे हम जोड़ देंगे, फिर एक दो, इसके बाद एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, और ये रहा तीन डबल क्रोशिया। फिर दो के बाद हम इसे लाकर यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, हमारा ये टोपी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। दो के बाद फिर इस जगह पे लाएंगे, फिर इस जगह पे लाएंगे। अब यहाँ पर तीन आ गया हमारा, तो तीनों को एक साथ हम यहाँ बंद कर देंगे। जैसे कि एक दो, दो चेन, एक दो तीन, दो के बाद यहाँ लाकर बंद कर दिए, दो चेन लेंगे, दो एक दो, एक दो, दो के बाद यहाँ लाकर बंद कर दिए, फिर दो चेन लेंगे, फिर एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ हमारे पास तीन बच गया है, डबल क्रोशिया तीन बच गया है। तो अब हम अगर यहाँ करेंगे तो एक यहाँ पर एक से हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए तीनों को एक साथ लाकर हम इस तरह से कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कान्हा जी का टोपी इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टोपी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।